इस वक्त जितनी भी सर्वे एजेंसियां हैं वो साफ तौर पर बता रही है कि आरजेडी इस बार काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कम से कम 7 सीट तेजस्वी यादव जीतने में सफल हो जाएंगे। वहीं ये सर्वे एजेंसी बता रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अब उनके ही कुछ नेता उनका बंटाधार करने में लगे हैं। जम्मू का मसला देखिए, तेजस्वी यादव ने कई रैलियां की, अर्चना रविदास के पक्ष में माहौल बनाया, जहां एक तरफ लग रहा था कि चिराग के जीजा अरुण भारती काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने काफी रैलियां की और बराबरी के मुकाबला ला दिया। लेकिन ठीक एक दिन पहले की रैली में तेजस्वी यादव जब मंच पर होते हैं तो फिर एक खेल होता है और उसके बाद माहौल बिगड़ने लगता है। बता दें कि विजय प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, उनके नाम का जिक्र करते हुए उनका एक समर्थक जो है चिराग पासवान को माँ बहन की गालियां देता है और अब ये वीडियो वायरल हो गया। चिराग पासवान ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया और जंगल राज की याद दिला दी और मामला बकायदा चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है और ये कहा गया उस एप्लीकेशन में कि जो वीडियो में दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। तो खबर है कि तेजस्वी यादव उस वीडियो में दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव पर भी FIR दर्ज चुनाव आयोग कर सकता है। चिराग पासवान ने बकायदा वो लेटर जो है चुनाव आयोग को भेजा है। तो इस वीडियो में विजय प्रकाश के नाम का जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि विजय प्रकाश जो आरजेडी के पूर्व विधायक रहे हैं, जो बकायदा मंत्री रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के करीबी जय प्रकाश यादव के भाई हैं और ये कहा जाता है कि वो सिर्फ जम्मू की राजनीति में इसलिए टिके क्योंकि वो जय प्रकाश यादव के भाई हैं। बकायदा उनकी छवि अच्छी नहीं रही, कई बार जो है उन पर कई तरह के आरोप लगे और इस तरह से कह सकते हैं कि जो जम्मू की जनता है उसके बीच में भी विजय प्रकाश को लेकर परसेप्शन जो है वो कहीं भी सही नहीं है। और अब उस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं जहां वो कहता है कि विजय भैया और फिर चिराग की माँ को गाली देता है और विजय प्रकाश जो है उसे मना करते हुए दिखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भीड़ था और भीड़ में कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो शख्स उस वीडियो में विजय भाई करके कह रहा है और फिर चिराग पासवान को गाली दे रहा है, तो फिर कम से कम विजय प्रकाश को अगर सफाई देनी चाहिए कि वो शख्स कौन था और वो जो भी शख्स था वो मंच के काफी नजदीक था। तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित कर क्या विजय प्रकाश कार्रवाई करेंगे, क्योंकि विजय प्रकाश मंच पर मौजूद थे, तो क्या वो उन लोगों की पहचान साझनी करेंगे? और नहीं तो ये मसला अगर बिगड़ता है तो फिर तेजस्वी यादव को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप साफ तौर पर समझ जाइए चिराग पासवान ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर ली है, चुनाव आयोग तक मुद्दा पहुंचा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नेशनल मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो साफ तौर पर ये एक बड़ा मसला बनेगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के कुछ जो पार्टी के नेता हैं वो अपने अनुशासनहीनता की वजह से उनकी नैया डुबो देंगे और जिसमें विजय प्रकाश के नाम का जिक्र हो रहा है कि विजय प्रकाश के समर्थक वहां थे, तो क्या विजय प्रकाश अपने समर्थकों को नहीं संभाल पाए, क्योंकि वो शख्स बहुत अच्छे से कह रहा है कि विजय भैया और फिर चिराग पासवान की मां की गाली दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान जहां एक तरफ ये प्रशासन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पुराने दौर से बाहर निकल जाएंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन क्या उनके कुछ ऐसे नेता हैं पार्टी के अंदर जो तेजस्वी यादव की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।